नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। प्रेस वार्ता का मुख्य कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम भाइयों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है ना, उसके बारे में जरा जनता को खुल करके बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? खुलकर खुल करके बताना ये चाहते हैं कि मुस्लिम भाइयों के साथ में जो देश आजाद होने के बाद में जो CPM जो इन लोगों को यूज किया, वो खुल करके बताना चाहते हैं कि CPM का जो वामपंथी जो थे वो मुस्लिम भाइयों के साथ में किस तरह का वोट बैंक बना करके अपना काम निकाल कर 34 साल पश्चिम बंगाल में राजनीति करके वो रोटियां सेक करके निकल गए। लेकिन अभी तो CPM की सरकार है नहीं, अभी तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अब तो दीदी आई है 2011 में। दीदी आने के बाद मुस्लिम भाइयों लोग को पश्चिम बंगाल में एक विश्वास आ गया कि अब हमारा सरकार आ गया है, अब हमारे दीदी आ गई है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दीदी उससे भी बीस निकली। दीदी जो मुस्लिम भाइयों के साथ में व्यवहार किया जा रहा है, शायद ये हमारे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम भाइयों लोग के साथ मतलब पता नहीं है कि दीदी इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम लोग घर में चाय बनाते हैं, चाय में आधी डालते हैं। आधी डालने से क्या होता है कि स्वाद बढ़ जाता है, स्वाद बढ़ जाता है, गला का खिचखिच दूर हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। लेकिन वही आधी जिस तरह छांक करके बाहर हम लोग फेंक देते हैं, उसी तरह इलेक्शन के बाद में मुस्लिम भाई लोग को उठा करके फेंक दिया जाता है और अपना राजनीति रोटियां सेक करके अपने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने का रास्ता क्लियर कर। आने वाले 2021 के चुनाव की क्या तैयारी है? आने वाला 2021 की तैयारी मुस्लिम भाइयों के साथ में जो दीदी यूज किया है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। ऐसा आप कह रहे हैं? हम नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बोलना चाहती है। नहीं विश्वास तो आप पन्ना पलट करके देख लीजिए, है ना, पन्ना पलट करके देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का जितना भी काम हुआ है, मुस्लिम भाइयों लोग को बाथरूम दिया जा रहा है, हिंदू भाई लोग को नहीं दिया जा रहा है, या हिंदू भाई लोग को बाथरूम नहीं दिया जा रहा, मुस्लिम भाई लोग को नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कहीं परिवर्तन नहीं है। जो जरूरत है वो हो रहा है। मुस्लिम भाई लोग को भी 1000 रुपये करके मिल रहा है, हिंदू भाई लोग को भी मिल रहा है, सब भाई को। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये ऐसा नहीं बोल रहे कि मुस्लिम भाइयों को 1000 रुपये करके नहीं मिलेगा, बाथरूम नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, ये लॉकडाउन का बंदी में मुस्लिम भाई लोग को चावल नहीं मिलेगा, मुस्लिम भाइयों को 3 किलो मिलेगा और हिंदू भाई लोग को 5 किलो मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं, सबको बराबर मिलेगा। 1000% भारतीय जनता पार्टी इस तरह का सोच नहीं रखता है। अटल हमारे प्रधानमंत्री अटल जी जब थे तभी ये हुआ है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ये तो बिल्कुल ही नहीं, इस तरह का सोचते भी नहीं हम लोग। तो इतना डर क्यों है मुस्लिमों को भाजपा के प्रति? मुस्लिम भाइयों को बीजेपी का प्रधानमंत्री या बीजेपी का मुख्यमंत्री से डर नहीं, ये दीदी इस तरह का भावना भर के रखा गया है। जिस तरह हमारे घर में चिकन या मटन या बिरयानी कुछ भी बनाते हैं और हम लोग उसमें तेजपत्ता बहुत अच्छे से डालते हैं, तेजपत्ता डालने से क्या होता है कि स्वाद बढ़ जाता है, वही दीदी हमारे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम भाइयों के साथ में राजनीति करते। लेकिन जब ये देखिएगा मुस्लिम भाइयों लोग भी और हिंदू भाई लोग कोई भी हमारे भाई हो, जब वो घर में मटन बनाते हैं और तेजपत्ता डालते हैं, तेजपत्ता कम नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में मुस्लिम भाई, जब हम लोग मटन बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि मटन जब कंप्लीट हो जाता है उससे हम लोग स्वाद ले लेते हैं और स्वाद लेने के बाद में सबसे पहला काम होता है कि तेजपत्ता को निकाल करके बाहर में फेंक देना, तेजपत्ता का कोई काम नहीं है। तो दीदी उसी तरह हमारा मुस्लिम भाइयों के साथ में ये बर्ताव किया गया कि जब इलेक्शन हो जाता है इलेक्शन के बाद में दीदी को उठा कर वो फेंक देते, दीदी मुस्लिम भाइयों को तेजपत्ता की तरह उठा करके फेंक देते। ऐसा पब्लिक का कहना है कि दीदी मुस्लिम भाई लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप बताइए दीदी का सरकार आज 11 साल में आया हुआ था 2011 में, अभी 2020 से 9 साल में दीदी मुस्लिम भाइयों के लोग क्या किया है? एक भी काम हमको अच्छा से गिना दे, एक भी काम दीदी हमको अच्छा से बता दे कि जो नरेंद्र मोदी जी से अच्छा काम किया हुआ 9 साल में। मुस्लिम भाइयों लोग को उलझा के रखा जा रहा है, मुस्लिम भाइयों लोगों को इधर उधर बाएं देने के उन लोगों को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार आने से मुस्लिम भाइयों को दिक्कत होगा। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में आएगी तो ऐसा कहीं कोई रूल टर्म्स ऑफ कंडीशन नहीं रहेगा, जिस तरह से हम रहेंगे उस तरह से हमारे पड़ोसी मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में रहेंगे, हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और पूरा पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगा तो 42 सीट में कम से कम, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि 6 सीट पश्चिम बंगाल में TMC का रहे,
मुस्लिम भाइयों का रहेगा। मुस्लिम भाइयों का हम लोगों का सरकार बनने में बहुत ही बड़ा सहयोग चाहिए और उल्टी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा छवि है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो कुल्टी विधानसभा के जो युवा नेता है आज के डेट में, कुल्टी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा काम चल रहा है। जिस तरह से अभी बच्चा लोग को जो स्कूल के तहत मैंने 400 रुपया 500 रुपया दिया जा रहा है, वो हर बच्चा को दिया जा रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा प्रधानमंत्री के तहत कि मुस्लिम भाई को नहीं मिलेगा, हिंदू भाई को मिलेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो सबको मिल रहा है, हमारे भाई बहन सबको मिल रहा है। और ये जो स्वच्छ भारत अभियान जो चला है, जो बाथरूम और शौचालय का बात चल रहा है, प्रधानमंत्री के तहत कुल्टी विधानसभा में बहुत ही बनाया जा रहा है, लेकिन टीएमसी की सरकार जो है वो बहुत ही ऐसे जगह है जो बनने नहीं दिया जा रहा है। माइनॉरिटी लोग को तो बहुत ही ऐसा समझा दिया कि वो फालतू का है, जगह मत देना, जगह खराब हो जाएगा, है ना, वो पैसा दीदी अपने फंड में रख ले रही है। लॉकडाउन में बहुत ऐसा चना है, चावल है, आटा है, पैसा है ना, हम लोग घर घर तक पहुंचाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब हम लोग को खुल करके काम करने का समय दिए, वो ये नहीं बताए कि कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग जितना समझ में आया कुल्टी विधानसभा में अपना खुल करके और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और भाग लिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में कुल्टी में क्या रोल रहेगा भारतीय जनता पार्टी की? आने वाला कुल्टी विधानसभा इलेक्शन में टीएमसी का तो कहीं नाम ही निशान नहीं मिलेगा, झंडा लगाने वाला आदमी नहीं मिलेगा, झंडा लगाने वाला टीएमसी का आदमी नहीं मिलेगा। बहुत ही जल्द माइनॉरिटी मोर्चा का जो मुस्लिम भाइयों हैं उन लोगों को पता चल जाएगा कि दीदी जो मुस्लिम भाइयों को आज 9 साल से जो हाथ में नारियल दे दिया है, हाथ में जो नारियल दे करके रखा है, ना उसको तोड़ने का परमिशन दिया है और ना खाने का परमिशन दिया, सिर्फ हाथ में नारियल दिखा करके माइनॉरिटी मोर्चा को जो या मुस्लिम भाइयों को जो यूज कर रही है दीदी, वो दीदी का सिर्फ अंदर का सोच है। दीदी बहुत ही जल्द कुल्टी विधानसभा से हाथ धोने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के दौड़ के रेस में कौन है कुल्टी में? भारतीय जनता पार्टी का कुल्टी विधानसभा में पार्टी नहीं करेगी वो तो पार्टी के जो सीनियर नेता हमारे वो सब बताएंगे। हम लोग छोटे कार्यकर्ता है ना, हम लोग कुल्टी विधानसभा में कार्य करते हैं, युवा के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। कौन खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा वो हमारे कुल्टी में कितना हद तक और काम होना चाहिए था। कुल्टी विधानसभा में बहुत सारे काम है जो दीदी नहीं होने दे रही है। हम लोग तो काम करना चाहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री तो काम करना ही दे रही है। वो देखिए ना, अभी फिलहाल में तो आप लोगों के पास खबर होगा ही कि हम लोग जो ये जो जल योजना है, जल का बारे में वो पैसा प्रधानमंत्री जब दिए हैं तो दीदी क्या कर रही है? दीदी 3,000 रुपया, 1,100 रुपया, 2,500 रुपया, 900 रुपया, 325 रुपये जो कलेक्शन करने का काम कर रही है, ये सब क्या है? ये क्यों कर रही है दीदी? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का रास्ता है। ये बीजेपी को बदनामी करने का रास्ता दीदी काम कर रही है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि हम लोग पैसा लेकर काम करें। दीदी तो अभी पैसा लेकर साइड हो जाएगी 2020 में। अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आता है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बनता है, सरकार बनती है, तो आप ऐसा गारंटी लेते हैं जो आप जैसे इल्जाम लगा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पे और सीपीएम पे इल्जाम लगाए थे कि मुस्लिमों को यूज कर रहे हैं, कि आपके पार्टी यूज नहीं करेगी? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम क्या, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि मुस्लिम भाई, अगर हमारे लोग को विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री का वो बुक खोल करके आप देख लीजिए ना जी, देख लीजिए। शहनवाज हुसैन से पूछ लेते आप एक बार, शहनवाज हुसैन तो हमारे बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता है, वो भी तो मुस्लिम भाई है। हमारे कलकत्ता में स्टेट में हमारे दीदी है, वो नाजिया इलाही जी है, उनसे पूछ लीजिए, मुस्लिम भाई को एक से पूछ लीजिए। मुस्लिम भाई को डरा करके रखा जा रहा है, मुस्लिम भाई लोग को डरा करके रखा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री बीजेपी का सरकार आने से मुस्लिम भाई पे दिक्कत होगा। नहीं विश्वास है, अगर मेरे दोस्त है, ये हमारे बहुत करीबी दोस्त है जीशानपुरी से, जो कुल्टी विधानसभा से बिलोंग करते हैं ना, ये तो बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं कुल्टी विधानसभा में। जीशान जी, जीशान जी से पूछ रही, ये भी तो एक मुस्लिम भाई है, ये भी माइनॉरिटी में है, इनसे पूछ लीजिए जीशान भाई से कि इनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। धन्यवाद सर, आपका नाम? हमारा नाम शंकर यादव है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है।